संजय ने कहा। अर्जुन युद्ध भूमि पर ऐसा कहकर उसका मन शोक से भरा हुआ, उन्होंने अपने धनुष और बाणों को फेंक दिया और अपनी रथ पर बैठ गए। अर्जुन यह आत्मनियंत्रण अपने ध्यान का धनुष और अज्ञानता को भेदने वाले बाणों को छोड़कर मनोब्रह्मांडीय युद्ध के मध्य में स्थिर होता है। हालांकि सहज समझ के रथ को वास्तव में नहीं छोड़ता। हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब तक भक्त के पास अपने संदेहों को शांत करने की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, वह खुद को युद्ध के लिए अयोग्य महसूस करता है। शोक से भरे हुए और अपने देवीय अस्त्रों को छोड़कर वह स्वतंत्रता की एक किरण पर संतुलित होता है। रथ सहज समझ का प्रतीक है जिसमें भक्त विवेचना के बल से मनोब्रह्मांडीय युद्ध में सहभागी होता है। अगर भक्त प्रगति नहीं करते तो इसका कारण होता है कि वह स्वयं नियंत्रण के अस्त्रों को छोड़ देते हैं। एक निराशाजनक भक्त साधना पथ में महान सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाने पर स्वयं अनुशासन को छोड़ देता है। वह ध्यान करने से मना करता है, अपने आध्यात्मिक गुरु से बचता है और आध्यात्मिक उदासीनता की मानसिक अंधकार में भटक जाता है। इस उदासीन मनोदशा को नियमित ध्यान और स्थिर विवेक द्वारा सुधारा जाना चाहिए। सब कुछ खोने से दूर है जब तक कि भक्त इस प्रकार संघर्ष करता है कि वह स्वयं को दिव्य रथवाहक के मार्गदर्शन और कृपा से मेल करे, जो भगवत गीता के अगले अध्याय में भक्त की सहायता कर। मित्रों, हमें हमेशा अपने स्वयं नियंत्रण को मजबूत रखना होगा। साधना में स्थिरता महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने अंदर की ताकत पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रणाम।